नमस्कार मित्रों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ आप लोगों को हैप्पी दीपावली। और साथ ही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ आज हम लोग 13 एक्सरसाइज 13D का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर के समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है। इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 गुना है। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर यह भाग है? तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक शंकु है जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो एक शंकु बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया शंकु और कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई बना लेते हैं इसका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये आधार है, तो इस आधार के समांतर एक शंकु काट लिया जाता है, ठीक है। समांतर काटा गया है, ठीक है। तो शंकु काट लिया जाता है, तो कह रहा है कि यह जो शंकु है ना, इस पूरे शंकु का 1/27 गुना है। और तो बताना कि यहाँ से कितने दूरी पर काटा गया है। तो माना कि यह दूरी पर काटा गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, तो यह अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब इस जो है शंकु का नाम रख दीजिए, तो इसको हम लोग नाम रखते हैं ओ, ए और बी, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। उसके बाद से ई आई एफ, ठीक है, ई आई एफ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्या को आर नाम दे देते हैं, छोटे वाले त्रिज्या को आर स्मॉल नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे क्या, हॉल हल दिया है, क्या दिया है, नहीं माना माना पड़ेगा कि आयतन भी है। तो माना माना दिए दिए शंकु का आयतन का आयतन भी है, ठीक है। दिए गए शंकु का आयतन भी घन सेमी है, भी घन सेमी है, ठीक है। तब क्या, कटे हुए भाग का आयतन, तब कटे भाग का आयतन कितना होगा, कटे भाग का आयतन भी अपन कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि इस आयतन का 1/27 गुना है कटे हुए भाग का आयतन, ठीक है। तो भी का जो है 27 गुना करेंगे, 1/27 गुना, तो भी 1/27 हो जाएगा, ठीक है। तो कटे हुए भाग का आयतन भी 1/27 घन सेमी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लेंगे कि माना माना कि जो कितने दूरी पे कटा हुआ है, h दूरी पे, यानी कि सी डी, सी और डी h है, सी डी बराबर है h के, ठीक है भाई। आयतन है तो हम लोग को आयतन निकालना पड़ेगा, इसलिए ऊंचाई की ज़रूरत है। तो हमने ऊंचाई मान लिया, आ चाहे पूछ भी रहा है, ठीक। अब ये पहले ही हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है, कौन, ये पूरा और फिर ये, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि अब समरूप समरूप त्रिभुज ओ डी बी तथा त्रिभुज ओ सी ई में क्या, ओ सी ई में
भाई हम लोग को ये भुजा का समान चाहिए और ये भुजा का समान चाहिए, तो ये वाला समान लिख लेंगे डी बी, डी बी बटे सी ई, डी बी बटे सी ई समरूप है, तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं, और फिर टोटल का बटे इतना लिख सकते हैं इतना, ठीक है, बराबर ओ डी बटे क्या डी सी, चाहे ओ डी बटे ओ सी, ओ डी बटे ओ सी लिख सकते हैं, ओ डी बटे ओ सी लिख सकते हैं ना, ओ डी बटे ओ सी, ओ डी बटे ओ सी लिख सकते हैं ये, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्योंकि आयतन हम लोग को दिया गया है, तो शंकु शंकु ओ ए बी, ओ ए बी का आयतन, आयतन बटे शंकु शंकु ओ सी ई का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु ओ ए बी का आयतन निकाला जाएगा तो क्या होगा, 1/3 पाई आर डी डी बी का वर्ग माने आर का वर्ग इंटू ओ डी टोटल हो जाए, ठीक है, ओ डी हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 1/2 पाई, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का मान यहाँ कितना हो जाएगा सी ई, आर का मान कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा ना, ओ सी कैसे होगा, आर ही होगा ना, सी ई का स्क्वायर, चाहे सी ई का स्क्वायर है इंटू ओ सी, इंटू ऊंचाई कितनी होगी ओ सी, ऊंचाई हो जाएगी ओ सी ए, ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। फिर इतना बराबर या करके लिख सकते हैं, या अब ये देखिए ये और ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या डी बी का वर्ग, डी बी का वर्ग, डी बी का वर्ग बटे सी ई का वर्ग, ये ओ डी बटे ओ सी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओ डी बटे ओ सी हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या बी डी बी बटे सी ई बराबर है किसके, ओ डी बटे ओ सी के, तो लिख सकते हैं ओ डी बटे ओ सी का वर्ग बराबर, अरे दोनों पे वर्ग है तो इकट्ठे वर्ग लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर है, बराबर क्या ओ डी बटे ओ सी, ओ डी बटे ओ सी, ओ डी, अबे यार ये गुणा ही रहेगा ना, ओ डी बटे ओ सी, ओ डी बटे ओ सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ओ डी का वर्ग करेंगे बटे ओ सी, तो ये तो हो जाएगा ओ डी का क्यूब, हाँ इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा ओ डी, ओ डी ओ डी का क्यूब बटे ओ सी का क्यूब हो जाएगा, होगा बराबर लिख सकते हैं ओ डी बटे ओ सी का होल क्यूब, अब बराबर लिख सकते हैं ओ डी कितना है, टोटल हाइट है ओ डी, तो टोटल हाइट कितना है 30, और ओ सी कितना होगा, ये है ना ओ सी, तो टोटल में से एच घटा देंगे तो ओ सी निकल जाएगा, तो टोटल यानी कि 30 माइनस एच तो ओ सी निकल गया,
ठीक है, अब वो से निकल गया। अब हम लोग इतना बराबर मैंने यह कर, अब इतना बराबर 30/30 माइनस एच लिख सकते हैं। आइए किसके बराबर है भाई, शंकु के आयतन बटे इसके आयतन यानी कि भी भी बटे भी अपन 27। अब इसका मान रख देंगे शंकु ओ ए बी का आयतन बटे शंकु ओ सी ई का आयतन, तो ओ ए बी भी है आ ओ ओ सी ई का आयतन कितना है 27, भी बटे 27 है। ठीक है, तो अब हम लोग जो इसको लिख सकते हैं क्या, अब इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 27 अभी से भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको क्या करेंगे, भी बटे इसको बट्टे में है तो इसको गुणा के रूप में लिख के 27/V कर देंगे तो भी से भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 27, तो 27/30/30 माइनस एच बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं इसमें गुणा, तो इधर लिख लेते हैं यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो 27 गुणा हो जाएगा 30 माइनस एच बराबर 30 होगा 30। ये होल क्यूब है बाबू, इसका होल क्यूब है, ये होल क्यूब है तो ये भी होल क्यूब में रहेगा, ये भी होल क्यूब में रहेगा तो यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, ये भी जो है तब का हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा होगा, छूट जा रहा है यार दिमाग कहाँ रहता है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, चाहे छोड़िए अभी रुक जाइए, इसको छोड़िए, इसको करने की क्या जरूरत है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा भाई, ये इधर जाएगा ना तो किसका घनमूल है 3 का, मैंने इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3/27 बराबर कितना 30/30 माइनस एच हो जाएगा। अब 3/27 का मतलब होता है कि 27 किसका घनमूल है, तो 27 किसका घनमूल है 3 का बराबर 30/30 माइनस एच, अभी चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 3×30 माइनस एच बराबर 30। अब 30 3 दहा पे 30 यानी कि 30 माइनस एच बराबर 10, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई 30 माइनस एच बराबर 10, तो एच को इधर लाते हैं इसको इधर लाते हैं तो 30 माइनस 10 बराबर एच यानी कि एच बराबर हो जाएगा कितना 20। एच का मान कितना हो गया 20, तो आधार से 20 सेंटीमीटर पर काटा गया है, आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया है, ये आंसर हो जाएगा, लिख देंगे आधार से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा गया। ठीक है, अब देखते हैं 9वां सवाल, अब देखते हैं 13D का प्रश्न संख्या 9। ठीक है, और 8 सेमी तेजा और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर बीचों बीच से काट दिया जाता है दो बड़ा भागों में, विभाजित किया गया दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए यानी कि इसका आयतन और इसका आयतन, तो ये हो जाएगा छिन्नाकार, ये हो जाएगा शंकु। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, देखिए बहुत जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, हल माना माना कि ओ आर एन एक शंकु है, जिसके आधार की त्रिज्या R1 = 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ऊंचाई
ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है, पहले हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, माना माना क्या ओएम का मध्य बिंदु ये क्या है, ओएम ही है ना, ओएम बराबर 12। ठीक है, तो ओएम का मध्य बिंदु, ओएम का मध्य बिंदु पी है, तब ओपी बराबर होगा पीएम के मध्य बिंदु है, यानी कि 2/2 हो जाएगा, 2×6 = 12, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक, अब लिखेंगे, अब क्या समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ओ पी डी समरूप है, OPD समरूप है त्रिभुज ओ एम एन के, यानी कि इस त्रिभुज के, ओ एम एन इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज समरूप है किस त्रिभुज के, टोटल त्रिभुज के। ठीक है, तो एम एन के, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसलिए OP/OM = PD/MN। ठीक है, PD/MN, OP क्या हो जाएगा, A/OM। ठीक है, यानी कि OP कितना है, 6 सेंटीमीटर, OM कितना है, 12, बराबर PD, PD कितना है, PD का पता नहीं है, MN कितना है, MN 8, बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 × 12 1/2, यानी कि 1/2 बराबर PD/8, 8 इधर चला जाएगा तो PD खाली बचेगा, तो PD बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 2×8 यानी कि 4। तो PD का मान कितना हो गया, 4, यानी कि ये भी त्रिज्या निकल गया इसका, ये त्रिज्या 8/2 हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या भी निकाल लिया गया, तब ना आयतन ज्ञात करेंगे। अब ठीक, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, ठीक, इसलिए समतल समतल CD के दो भागों में बांटता है, समतल CD शंकु को दो भागों में बांटता है, ठीक है, तो क्या छोटे शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो छोटे शंकु की आयतन, छोटे छोटे शंकु में जो दिया गया वो लिख लेते हैं, छोटे शंकु की त्रिज्या क्या है, R2 = 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर, छोटे शंकु का, ठीक, ऊंचाई हो गया 6 सेंटीमीटर, तो छोटे शंकु का आयतन, तो छोटे शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 π R² H, यानी कि R2² × H, 1/3 π R2 का मान कितना है
चार सेंटीमीटर, चार का वर्ग एंड टू चाई 6 सेंटीमीटर, तीन दूना 6 यानी कि पाई इंटू 4 चौका 16 × 2 बराबर पाई इंटू 32, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है तो क्यूब में रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब छिन्नक का आयतन, अब एक भाग क्या बनाएगा छिन्नक, तो एक भाग छिन्नक का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर अधन आर टू का स्क्वायर अधन आर वन आर टू गुणा हो जाता है, ठीक है, होता है इतना 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर धन आर टू का स्क्वायर धन आर वन आर टू, ठीक है। अब मान रख देंगे इसमें हम लोग क्रमश, ठीक है, मान क्रमश चित्र में से रख दीजिएगा आप लोग, चित्र में सब दिखाया गया है। चाहे यहाँ लिख देते हैं आर वन बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, आर टू बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, एच बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/3 पाई एच का मान 6 है, ठीक है, आर वन का मान हो जाएगा 8 का वर्ग धन में आर टू का मतलब 4 का वर्ग अधन में 8 × 4, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई 6 8 × 64 अधन में 4 × 16 अधन में 8 × 32, ठीक है। 3 × 2 = 6 यहाँ 2 हो जाएगा, तो पाई इंटू 2 आइए जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 2 6 8 8 4 12 1 2 3 1 4 4 6 10 1 3 1 4 4 12 1 2 1 1 112 होगा। यहाँ पाई बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 2 4 2 2 2 2 2, तो 224 यानी कि 224 पाई सेमी क्यूब, ठीक है, 224 पाई सेमी क्यूब। अब कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात अभिष्ट अनुपात शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन, शंकु का आयतन संबंध है छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन निकला है 32 पाई, संबंध है छिन्नक का आयतन निकला है 224 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा भाग दे लीजिएगा यहाँ 32/224, तो 32 7 बार में 4 7 14 4 7 3 22 1/22 यानी कि 1/7 हो जाएगा, यानी कि 1 × 7, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं समझ में आता तब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।